नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। शराबी ने पिता पुत्र को रौंदा, 10 मीटर तक मासूम को घसीटा, पिलाई। शराब के नशे में कार चला रहे युवक ने बाइक सवार पिता पुत्र को चपेट में लिया। घटना में पिता गंभीर और पुत्र की मौके पर मौत हो गई। खबर लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित भीड़ को शांत कराया। शव का पंचनामा कर उसे पीएम के लिए भेज दिया। मामले में कार चालक के खिलाफ पुलिस ने धारा 279, 337, 304 ए के तहत कार्रवाई किया है। पाटन पुलिस ने बताया, तर्रीघाट निवासी तुमन साहू अपनी बाइक CG07LN6717 में बेटा गगन साहू 8 वर्ष को लेकर पहडा से तर्रीघाट जा रहे थे। इस दौरान कार CG04JS8736 के चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सिकला मार्ग के पास बाइक सवार पिता पुत्र को ठोकर मार दी। घटना इतना जोरदार था कि पिता तोमन साहू सड़क के बीच में फेंका गया, जो गंभीर रूप से घायल है। वहीं पुत्र गगन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय कार चालक शराब के नशे में थे। कार में चालक समेत 3 युवक सवार थे। तीनों राजेंद्र नगर रायपुर निवासी जागेचरण बघेल, माइकल मसीह, अभय डहलिया उर्फ एनू है। जहां पर घटना हुआ है वहां ब्रेकर नहीं होने से वाहनों की रफ्तार तेज रहती है। मृतक बालक कक्षा 2 का छात्र था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार चालक ने गगन को चपेट में लेने के बाद उसे करीब 10 मीटर तक सड़क पर घसीटते हुए लेकर गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं उसके पिता तोमन को पैर, कमर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट आई है। आसपास के लोगों की मदद से पिता को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां उपचार जारी है। पिता किसान है। घटना इतना भयंकर था कि आसपास के लोग आक्रोश में आकर तीनों युवकों की पिटाई करने के बाद कार में तोड़फोड़ किया है।